हाय एवरीवन, वेलकम टू अप स्किल ऑल इन वन। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है और क्वेश्चन से, इसमें थोड़ा क्या ये माइंड ऑफ प्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला वो। क्वेश्चन, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। तो क्वेश्चन पहले यहाँ लिख लिया 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। मतलब इसका कहने का है कि एनुअल सैलरी जो है वो 5,000 से उसका स्टार्ट हुआ और हर साल 200 रुपये उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 200 जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब जो डी है, डिफरेंस जो होता है, डी डी जो टर्म डिफरेंस, वो डी इज इक्वल टू 200 हम यहाँ पे लेंगे। उसके बाद है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। मतलब इसका कौन सा ईयर में इसका जो सैलरी है 7,000 तक पहुंच जाएगा। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको एन निकालना है। तो पहले तो हमको लिख ले कि फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास, जो A1 हमको दिया हुआ है, वो क्या है, 5,000 दिया हुआ है। उसके बाद D क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। उसके बाद हमको An क्या दिया हुआ है, हमको 7,000। ठीक है, An हमको 7,000 दिया हुआ है, क्योंकि ये हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 7,000 उसका कब कौन से साल में पहुंचेगा। मतलब हमको यहाँ पे निकालना क्या है, एन निकालना है। तो हम ये 7,000 लास्ट साल, लास्ट वाला कोई भी साल होगा, लास्ट वाला ही पूछ रहा है कि लास्ट साल में उसका जो सैलरी 7,000 पहुंचा, वो कौन सा साल था। इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन जो गिवेन डाटा हमने यहाँ लिख लिए। अब हमको निकालना क्या है कि एन निकालना है। तो चलिए बस फॉर्मूला पे पुट करिए, एन निकल जाएगा। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फॉर्मूला है। इस पे आप पुट करें सारे वैल्यू को। तो An की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7,000 है। ठीक है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू, या फिर A दोनों कह सकते हैं, ए 5,000 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू 200 है। ठीक है, तो इसको फिर सॉल्व करें फर्दर। तो एन, इसको इस साइड लिख ले पहले, 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000। अब इसको इस साइड लाएंगे तो एन माइनस वन इंटू 2,000, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 7,000 माइनस 5,000, तो इसमें क्या बचेगा, मेरे पास 2,000 बचेगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एन माइनस वन इज इक्वल टू आ जाएगा 2,000 डिवाइडेड बाई, ये हो गया मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 200, 2 0 से 2 0, ये 2 से ये 10 मरता, मतलब यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो अब, और एन माइनस वन इज इक्वल टू 10, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा 11। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कि किस साल में उसका इनकम जो है 7,000 हो जाएगा। तो हमको एन की वैल्यू आ गया 11, तो इसलिए अब यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि जो इसका जो सैलरी हो जाएगा, सुबह रहा होगा सैलरी 7,000 11th ईयर में हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, हेंस इन 11th ईयर सुब्बा राव सैलरी विल बी कम विल बिकम 7,000। ओके, तो 11th ईयर में सुब्बा राव की जो इनकम हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। किस तरीके से, बस ये इतना इजी क्वेश्चन था। बस इसमें क्या करना है कि हमको पता लगाना है कि A1 क्या होगा, D क्या होगा और An क्या होगा, बस इतना ही पता लगाना है, और भी कुछ भी नहीं पता लगाना। तो ये उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।